हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ। जल्दी जल्दी मैं गायब हो जाऊं और सीधा चलते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ। ओके, तो ये बन गई मैं मिस्टर इंडिया और बढ़ते हैं हम लोग सेशन की तरफ। देखो भाई, सवाल आपसे क्या क्या पूछ रहा है। सबसे देखो भाई, सबसे पहले सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्ट, इनमें से कौन सा एक है जो कि सोशल एक्ट नहीं है। मीसा एक्ट, एंटी डॉरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक। क्या सही आंसर होगा? देखो, अच्छा टाइमर तो चला नहीं, बेचारा छुप गया है। देखो भाई, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जो इसका सही आंसर है वो है मीसा एक्ट। मीसा क्या होता है, ठीक है, इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मीसा एक्ट। मीसा का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, ये होता है आपका मीसा एक्ट, ठीक है। अब ये हम मीसा एक्ट की बात करते हैं। ये आया कब था? ये इनएक्ट हुआ था 1971 में और फिर 1977 में एक बार रिपील हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको जो है एक सोशल एक्ट नहीं करार दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है मेंटेनेंस थी इंटरनल सिक्योरिटी की, इसलिए आप इसको सोशल एक्ट नहीं कहोगे। बाकी जो तीनों है ये आप लोग देखो कहीं ना कहीं हमारे सोशल राइट्स को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली सोशल एक्ट होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा मीसा एक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच, व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इनएक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, क्रिमिनल ट्राइब के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कहते हैं। बेसिकली इसको करने का जो है, भारत में लाने का जो मोटिव था वो था नॉर्दर्न पार्ट में लाया गया था, ठीक है, जिसको बाद में बंगाल में एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये कब इनएक्ट किया था ये आपसे पूछा है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी 1871। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये कब फोर्स में आए थे। देखो, किसकी बात आपसे पूछ रहा है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोटी मोटी इसकी, 11 सितंबर 1989 को प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। ये कब आया था? 30 जनवरी 1990। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही होगा 30 जनवरी 1990, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। चलो, अच्छा, इनके बारे में कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है, हमारे संविधान के किस शेड्यूल में इनके बारे में मेंशन किया है, बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपसे कि करंट स्ट्रेंथ जजेस की सुप्रीम कोर्ट में कितनी है। आंसर करो, देखो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिखता ही नहीं होगा, एक ऑप्शन में यहां लगा देती हूँ नन ऑफ दी अबव का, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में उस हिसाब से तो दिख ही नहीं रहा होगा। देखो, जजेस की जो संख्या है वो धीरे धीरे जो है कुछ कुछ करके कि आगे बढ़ी थी, ठीक है। पहले पहले कम हुआ करती थी, लगभग 25 के लगभग थी, उसके बाद से थोड़ी और बढ़ी थी, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ना कि कहाँ से कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, एक बात ये भी रखिएगा आप लोग याद कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, तो इनको इंक्लूड कैसे किया जाता है, इनका जो है एक्सटेंड होता है वो किस एक्ट के तहत होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है। देखो, आर्टिकल 124 फर्स्ट कहता है कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। खैर, अब अगर आपसे ये पूछता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, तो उस समय तो आंसर 31 हुआ करता था, लेकिन अभी ये बढ़ाकर कितनी हो गई थी, अभी इसको बढ़ा करके 34 कर दिया गया था, ठीक है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, सीजेआई को इंक्लूड करके। अब आप लोग एक बात बताओ, अभी भी इतनी है या बढ़ चुकी है या घट चुकी है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कब किया गया था, बताइएगा। आसान सवाल है और इसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, हाई कोर्ट के बारे में भी किया है, इसके बारे में भी किया है। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, बताइएगा।
हाँ भाई आंसर करो सभी लोग। अच्छा अब जरा आप लोग ये भी बताइएगा जो हाई कोर्ट्स थे वो कब हुए थे। ठीक है चलो ये आसान सवाल था। अगर इसका हम लोग सीधा सीधा आंसर देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950। ठीक है, और इसने किसको सक्सीड किया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा सुप्रीम कोर्ट कब इनॉग्रेट हुआ था, 28 जनवरी 1950। ठीक है, और आंसर के हिसाब से बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा इसने किसको सक्सीड किया था, इसने सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट को। ओके इसने फेडरल कोर्ट को सक्सीड किया था। इसके अलावा अच्छा एक और भी बात बताइएगा आप लोग कि हमारे वहां पर जब एक बार पहले, अच्छा चलो खैर ये हमारे हिस्ट्री के आगे आने वाले सेशन में क्वेश्चन है तो अभी नहीं करते हैं इसको, अगली बार ही करेंगे हिस्ट्री में। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू, देखो जो आर्टिकल 124(2)(a) होता है ये जो होता है, ठीक है, इसके हिसाब से बताया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो एक्ट आर्टिकल है आपका, इसमें बताया जाता है कि जो जज है वो अपना जो भी एड्रेस करना उसे, ठीक है, वो किसको कर सकता है, प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस के तहत। ठीक है, प्रेसिडेंट ही जो है अपॉइंट भी करता है जजेस को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट को, ठीक है, एक सील देता है कंसल्टेशन के तहत उन्हें। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इनको आप लोग जरा ध्यान से पढ़िए। द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। द गवर्नर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एंड ही हैज नो जुडिशियल पावर। अब इसको देख के आपको बताना है कि क्या सही आंसर्स होने चाहिए। ध्यान से पढ़ना सभी लोग एक एक बार इसको, फिर आंसर करो। ओके, देयर वॉज अ साउंड प्रॉब्लम, ठीक है, एक साउंड प्रॉब्लम शायद से था तब तक। देखिएगा कि हमने जो बातें पढ़ी, ठीक है, हमने बातें क्या क्या पढ़ी एक बार ही सुन लीजिएगा, मैं फिर से सारी चीजों को रिपीट कर देती हूँ आपके लिए।
कुछ साउंड नहीं था, मुझे पता नहीं चला कि साउंड नहीं है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात आपसे पूछ रहा है, गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, तो गवर्नर के पास में पावर नहीं होता है कि वो अपॉइंट करे जजेस को, सही माना जाएगा ये, ठीक है। फिर जो आर्टिकल 217 फर्स्ट, ये आपसे क्या कह रहा है कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब एक बात बताओ, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो गवर्नर, अपर हाउस और लोअर हाउस को कंसिस्ट करती है, तो ये तो आप लोग नहीं कहोगे कि नहीं सही है, ठीक है। अगला देखो आप लोग, ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो आप लोग जरा ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं आपसे, तीसरे की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। साउंड चली गई थी, मुझे पता नहीं चला था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। देखो जो भी हमारे वहाँ पर जो भी आप लोग देखते हो जजेस वगैरह जो नॉमिनेट होते हैं, वो प्रेसिडेंट करता है चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन में, स्टेट के केस में रिक्वायर्ड हाई कोर्ट के साथ में मिलकर के करता है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। फिर जो आर्टिकल 171(3)(e) होती है, वो जो है वो पावर देती है गवर्नर को कि वो कुछ मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें, सही हो गया, ठीक है। लास्ट में आप लोग देख रहे हो, ही हैज़ नो जुडिशियल पावर, ओके, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमने तब से देखा कि उसके पास में क्या क्या एक्चुअल पावर्स हैं, ठीक है। पहला हमने देखा कि उनके पास में पावर नहीं है जज इलेक्ट करने का, लेकिन वो लेजिस्लेचर में कुछ मेंबर्स को कर सकते हैं अपने तरफ से, साथ ही साथ में वो कभी कभी जैसे कोई ऑफेंस वगैरह है तो उसमें वो पार्डन भी उन्हें दे सकते हैं, यानी उसको माफी दे सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से जुडिशियल पावर इसकी बात आपसे कर रहा है, ठीक है, ही हैज नो जुडिशियल पावर, तो क्या ये सही होगा कथन? नहीं, सही कथन जो एग्जैक्ट है अगर आप तीनों को चारों को देखोगे तो जो है वो पहला और तीसरा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट, चीफ मिनिस्टर के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है। देखो पहला आपको क्या दिख रहा है कि ये नॉर्मली सिलेक्ट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, ठीक है। अगला आपको दिख रहा है ये फॉर्मली अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, फिर ये मेंबर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी में से चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इनकी ऑफिस जो है तमाम चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जो हमारी आर्टिकल 164 होती है, ठीक है, जो हमारी आर्टिकल 164 है उसमें बताता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर द्वारा, और बाकी मिनिस्टर, ठीक है, बाकी मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और मिनिस्टर, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है वो सिलेक्ट नहीं होते हैं गवर्नर द्वारा। तो आप लोग अगर देखो क्या नहीं सही है, सिलेक्टेड लिखा हुआ है, सिलेक्टेड वर्ड क्या अप्रोप्रिएट है, नहीं, तो ये नहीं सही आंसर क्या होगा पहला, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट इज अपॉइंटेड बाई गवर्नर ऑफ स्टेट। अभी ये हमने देखा ना आर्टिकल, अभी आपको ये बात बताई गई है कि जो आपका आर्टिकल 164 होता है उसमें बताता है कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर द्वारा, और जो बाकी मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, तो ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आर्टिकल 164, ओके। अब अगला क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, विच इज द अपर चैंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 168(2) होता है, ठीक है, ये जो आपका आर्टिकल होता है ये बताता है कि दो हाउस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, या अगर आप कहते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हटा दो, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली, और हाँ जहाँ पे सिर्फ एक हाउस की हम लोग बात करते हैं तो वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अगर बोलता है टू हाउसेस के बारे में, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका अपर हाउस माना जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली आपका लोअर हाउस याद होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 168(2) क्या बताता है कि दो हाउसेज होते हैं लेजिस्लेचर स्टेट के, जिसमें से एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल बताते हैं और दूसरे को लेजिस्लेटिव असेंबली बताते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एक हाउस है तो क्या बताओगे, असेंबली, लेकिन उन दोनों, अगर दोनों कहीं है, बाइकैमरल है, तो उस केस में आपका दो हो जाता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अपर हाउस होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपसे पूछा था अपर हाउस के बारे में, द करेक्ट आंसर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद के लिए सामान्य बिलों को बंद करने की अवधि है? सही आंसर क्या होगा इसका? देखो, जो आपका आर्टिकल 197 होता है, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 197 होता है उसमें क्या कहता है कि अगर कोई बिल पास हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, और ट्रांसमिट हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, अगर वहां है तो, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसको होल्ड कर सकता है 3 महीने के लिए पास नहीं करने के बाद, ठीक है, और अगर फिर से बिल को पास किया जा रहा है दूसरी बार लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा और गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वो 1 महीने के लिए रख सकता है। तो जो टोटल केस आप लोग देख लोगे ना ऑर्डिनरी बिल के लिए, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 मंथ्स। तो इसका आपका सही आंसर क्या मिल गया? द करेक्ट आंसर इज 4 मंथ। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि इन विच असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल्स आर प्रपोज्ड। मनी बिल के बारे में आपसे बात कर रहा है। देखो, जो मनी बिल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 198 सेकेंड के तहत, ठीक है। मनी बिल जो होता है ये ट्रांसमिट होता है काउंसिल में रिकमेंडेशन पे 14 दिन में जो है बताया जाता है, ठीक है। और एक चीज को और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा था कि इन विच असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल आर प्रपोज, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे ही बात कर ले ओवरऑल अपने सेंट्रल लेवल पर, तो जो हमारा मनी बिल होता है, ठीक है, ये बेसिकली वही चीजों को कंटेन करता है जिसमें टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड कोई चीज आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको कहां लिखा गया है? आर्टिकल, ऑप्शन ले लो 110, 112 या दोनों ने, क्या होगा आंसर? ओके, चलो अगला देख ले हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नो बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन असेंबली ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। देखो, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो याद रखिएगा, जो आर्टिकल 207(1) होता है, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 207(1) है, ठीक है, एक बिल जो है या अमेंडमेंट मेकिंग के लिए कोई प्रोविजन दिया गया है तो जो सब क्लॉज ए से एफ है क्लॉज 1 का और आर्टिकल 199 का, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड किसके रिकमेंडेशन के अलावा? गवर्नर, ठीक है। और कोई भी बिल है जो कि ऐसी सारी प्रोविजंस बना रहा है वो नहीं इंट्रोड्यूस होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन की उसको देखते हुए? द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सही आंसर क्या हुआ? द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ विधान परिषद इन द स्टेट? बताइएगा आंसर क्या होगा सही आंसर। अगर इसको हम लोग देखें, कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऑफ विधान परिषद, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये आर्टिकल 171 के तहत दिया गया है, ठीक है। रिमेंबर कि जो प्रोविजन है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आर्टिकल 171 में है और क्रिएशन और एबोलिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का 169 के अंदर दिया है, ठीक है। ओके, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी इज, राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके का राइट है बताइएगा आप लोग। द करेक्ट आंसर इज, देखो ये तो आई थिंक कई बार हो चुका है, द करेक्ट आंसर इज लीगल राइट, ठीक है। पहले आपका क्या होता था? पहले जो है आपका ये फंडामेंटल राइट में था, लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को उस लिस्ट से हटा दिया गया था और क्या है ये लीगल राइट में आता है। ओके, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, ये आप लोगों का होमवर्क है क्योंकि ये सवाल मैंने आपको पहले भी करा रखा है, ठीक है। इसके अलावा 2 और क्वेश्चंस है, वो पहले हो चुके क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क होंगे और आप लोग करके लाओगे, ठीक है। चलो फिर, ओके, तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।